चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके रीड कर लो क्वेश्चन को, स्टार्ट करें। चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो है 3 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर SI में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 36 × 5/18, ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये इस पे आपने फोर्स लगाया और इस फोर्स को लगाने की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ये कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको SI में कन्वर्ट कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, सेम डायरेक्शन में, ठीक, इंपल्स। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, dP/dt किसके इक्वल होता है, एफ एक्सटर्नल के। अगर डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी, डीपी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और इनटू डी टी। ये यहां मिस हो गया, रुक जाओ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। डी एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना डी टी को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा ये ध्यान रखना, इंपल्स को ही क्या बोला जाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या बोला जाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये अगर आप इंपल्स आपको निकालना है तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वही इंपल्स हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम होगा कितना, पी फाइनल एम वी फाइनल माइनस पी इनिशियल एम वी इनिशियल, मास कॉमन ले लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। एम की वैल्यू 3 kg, वी फाइनल की वैल्यू कितनी है, देखो 15 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, 10, ये ना 10, तो 15 माइनस 10 5, 5 × 3 15, चेंज इन मोमेंटम, इसी को इंपल्स बोलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कौन सा आ रहा है भाई, ये वाला फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन।